कुछ आरजू नहीं है बस आरजू ये है, कुछ आरजू नहीं है बस आरजू ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। There is no wish, there is no desire, except that somebody put some soil of my motherland into my coffin. इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं, तो इनकलाब लिख जाता हूं। My pen is filled with so much of patriotic feeling that even if I wish to write love or passion, I end up writing inkilab. देशभक्तों को लोग अक्सर पागल कहते हैं, कह दो उन्हें सीने पर जो जख्म है, सीने पर जो जख्म है वो फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। The wounds on my body are nothing but bunches of flowers. Let me remain mad, 'cause I'm happy with that. मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद हूँ। I am such a demented person that I am free even in jail. They may kill me, but they cannot kill my ideas. They may kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. My life has been dedicated to the noblest cause. My life has been dedicated to the noblest cause, that of the freedom of the country. Therefore, there is no rest or worldly desire that can lure me now. Kasli hai kamar ab to kuch karke dikhayenge. Kasli hai kamar ab to kuch karke dikhayenge. आजाद ही हो लेंगे या तो सर कटा देंगे। जिंदगी तो अपनी ही दम पर जी जाती है, जिंदगी तो अपनी ही दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। लाइफ इज टू बी लिव्ड ऑन ओन स्ट्रेंथ, अदर सोल्जर कैन ओनली बी यूज्ड टू कैरी डेड बॉडी फॉर बरियल। ये कोट्स उन तमाम क्रांतिकारियों और महान कुर्बानी देने वालों की है जिनकी मौत पर हमें आजादी मिली है, जिन्होंने अपनी जिंदगी गवाई है, जवानी गवाई है, फांसी के फंदे को चुभ लिए थे। ये जंगे आजादी की कहानी बहुत लंबी है। हमें आजादी कोई तोहफे पे नहीं मिले हैं, ना ही किसी अंग्रेज ने हमें दहेज के रूप में आजादी देकर गए हैं। हालांकि हमारे उन तमाम शहीदों, तमाम क्रांतिकारियों के महान त्याग, हमारी उन तमाम क्रांतिकारियों वीर शहीदों की मौत से आजादी मिली है, उनकी महान कुर्बानियां त्याग स्वीकार करने से हमें आजादी मिली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के साथ हमारी जंगे आजादी यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल द इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में कुछ अहम बातें बताऊंगा जिसको सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी खून तेज भागने लगेंगे और शायद आपकी आंखों से आंसू भी निकले। आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज फुल ऑफ हार्डशिप एंड अट्रोसिटीज, फियर एंड टीयर्स, लाइफ एंड डेथ, मसाकर एंड सेक्रीफाइसेस एंड मच मोर विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। जंगे आजादी की पहली शुरुआत हुई थी 1773 में, फकीर रिबेलियन के नाम से जाने जाते हैं, जो आज भी हिस्ट्री के बुक में फकीर एंड सन्यासी रिवोल्ट अपराइजिंग करके पाए जाते हैं। जिस तरह से ह और म को मिला देने से हम हो जाते हैं, उसी तरह से ह से हिंदू सन्यासी साधु और म से मुसलमान पीर फकीरों ने बड़ी भीड़ में कंधे से कंधे लगाकर अंग्रेजों की गोडाउन पर जाते। उस वक्त भूखमरी चल रही थी, अंग्रेजों की गोडाउन अनाज से भरा पड़ा था, तो ये लोग बड़ी भीड़ में जाते, अंग्रेजों की गोडाउन तोड़कर वहां से अनाज ले आते और गरीब मुसलमान और हिंदुओं में बांटते थे। इस पूरी कहानी पर एक किताब ही लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आनंद मठ, जिसका नाम है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर आनंद भट्टाचार्य अपनी किताब में लिखते हैं, बिहार और बंगाल के घने जंगलों की सुविधा लेकर इस बगावत को 50 साल तक जारी रखा गया। अंग्रेज राइटर एलएसएसओ मली अपनी किताब में लिखते हैं, मुस्लिम फकीर्स रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मजनू फकीर शाह
and his closest associate was the sannyasi leader Bhavani Pathak. After the death of Majnu Fakir Shah, Musa Shah, Chirag Ali, Nurul Muhammad and etc. have continued this revolt till 1803. इस रिवोल्ट में 150 के करीब फकीर मरे जाने की तथ्य पाई जाती है। मैं आपको भगत सिंह के बारे में दो चार बातें बताना चाहूंगा। भगत सिंह जो कि एक तमाम विद्वान थे, एक बड़े बेहतरीन क्रांतिकारी थे और गजब के वो लिखते भी थे। भगत सिंह के खिलाफ जब मुकदमे चल रहे थे, भारी कोर्ट में एक अंग्रेज ने उनसे पूछा, दिस पीपल हैव रूल्ड यू फॉर मोर देन 800 इयर्स, इन मुगलों ने तुम पर 800 साल से भी ज्यादा राज किया, तुमने कभी इन पर बॉम्ब नहीं फेंका, हमारे आए हुए सिर्फ 150 ही साल हुए, तुमने हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया। भगत कहते हैं, साहब उनमें डेडली कोई केमिकल नहीं थे, हम आपको मारना नहीं चाहते थे। जज ने पूछा, तो फिर क्यों फेंका? उन्होंने शान से जवाब दिया कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। इफ द डिफ आर टू हियर द साउंड ऑल्सो हैज टू बी वेरी लाउड एंड क्लियर। और जब आगे जवाब देते हुए कहा, इन मुगलों ने कैसा राज किया हम पर, ऐसा राज किया कि हमारे देश के नाम सोने की चिड़िया पड़ गए, और ये सोने की चिड़िया की चहक और लालच है जो आपको साथ समंदर की ओर से खींच लाई, और इन मुगलों ने यहाँ अपना घर बसाया, यहाँ की मिट्टी की धूल में अपने आप को मर मिटा दिया, यहाँ के सारे पैसे यहीं खर्च किया, ना कि ये आप लोगों के जैसे हैं जो एक स्पॉन्ज की तरह राज करते हैं। स्पॉन्ज पता है ना आपको, जो पानी में सोक करने से ऐसे आते हैं, फिर आप ले जाके कहीं इसको स्क्वीज करने से निकालते हैं पानी, ठीक उसी तरह अंग्रेजों ने हम पर स्पॉन्ज की तरह राज किए, जो कि गंगा में स्पॉन्ज को डुबोते थे और फिर यहाँ से जो दौलत संपत्ति मोती हीरे सोना मिलते थे, वहां फेमस एक नदी है लंदन के अंदर, उस नदी की ओर जाके ऐसे निचोड़ देते थे और जो सारे दौलत वहां गिरते थे। आपने हमारी यहाँ की सारी दौलत लुटा के ले जाकर वहां की कल कारखाना और उद्योग रिवॉल्यूशन करने लगे। ये जवाब सुनते ही अंग्रेज की मुंह काला पड़ गया। द्वारकादास लाइब्रेरी है लाहौर में, वहां 3000 किताब ऐसी है जिनमें हर एक बुक के ऊपर भगत सिंह की नोट है। कोई अगर पाकिस्तान जाए या जाने का अवसर हुए तो उस लाइब्रेरी में होकर जरूर आए। रिवोल्ट ऑफ 1857 में अहमदुल्ला शाह मद्रासी, जो कि थे फैजाबाद के मौलवी, जिनको लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन भी कहा जाता है, अहमदुल्ला शाह मद्रासी अपने पिता और अपने पीर की कहने पर अंग्रेजों के खिलाफ चारों ओर माहौल इतनी गर्म कर दी थी कि अंग्रेज ने उनके सर पर 50,000 की इनाम घोषणा करने में मजबूर हो गए थे। उसके कटे हुए सर को लेकर ब्रिटिश के हवाले करने के लिए इस इनाम को पाया था राजा जगन्नाथ सिंह पवे शाहजहांपुर के एक जमींदार। जब राजा सिंह उसके कटे हुए सर को लेकर शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले, उन्होंने कहा, ये उस शख्स की कटे हुए सर है जो हमारे सबसे पावरफुल एनिमी, जो हमारे सबसे ताकतवर एनिमी था। लेफ्टिनेंट हॉटसन लिखते हैं कि मुझे इंग्लैंड से एक टेलीग्राम आया, उस पर लिखा था कि 1857 की जो बगावत है ये मुसलमान उलमाओं की बगावत है, और इन दाढ़ी और टोपी वालों की जहां भी दिखे जहां भी मिले बिन मुकदमे के ही लटका दो। और फिर हम निकल पड़े, हमारी गोली उनकी सर तलाश थी और हमारी फांसी की फंदे उनकी गर्दन तलाश थी। कर्नल नील लिखते हैं अंग्रेजों के लिए, मुझे इस बात का फक्र है कि मैंने हजारों सैकड़ों उलमाओं को बिन मुकदमे के ही फांसी पर चढ़ा दी। अंग्रेजों ने उनकी किताबों में लिखा है 1859, 1860 और 1861 में कुल मिलाकर 51,200 लोगों को फांसी पर चढ़ाई गई थी।
उनमें सिर्फ मुसलमान उलमाओं की संख्या 27,000 से ज्यादा थी। गजट हिस्ट्री ऑफ यूपी, जिस भी हिस्ट्री बुक से पहले गजट लिखा जाते हैं उसका मतलब ये भी होता है कि ये गवर्नमेंट की रिकॉर्ड है। गजट हिस्ट्री ऑफ यूपी के एक सब चैप्टर में 1857 की बयान की गई है। वहाँ सबसे पहले इनकलाब की बिगुल फूकने वाला का नाम थे बाबा रामचरण दास और उनको पहले समर्थन करने वाले थे मौलवी अमीर अली। इन दोनों को अंग्रेजों ने ऐसी सजा दी, अंग्रेजों को ये लगता था कि इस सजा के बाद उन तमाम क्रांतिकारियों के हिम्मत टूट जाएंगे। उन दोनों शख्सियत को एक ही फांसी के फंदे पर लटका दी, यानी कि फांसी के फंदे एक थे, गर्दनें दो थी, एक बाबा रामचरण दास का था और एक मौलवी अमीर अली के थे। ऐसी एक कहानी शंभू सिंह और बच्चा खान की भी है। हांसी हरियाणा, हांसी हरियाणा के एक जगह का नाम है, वहाँ का हिस्ट्री है। वहाँ दो दोस्त रहा करता था, एक का नाम था हुकुम चंद जैन और एक का नाम था मुनीर बे। इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों की इतनी बैंड बजाई, इतनी नींद हराम की कि अंग्रेजों ने नाभा कपूरथला कश्मीर के राजाओं के सहायत से उनको पकड़ा, पकड़ कर अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अंग्रेज चाहते थे कि हांसी में हमेशा के लिए डर बना रहे, हांसी में एक आतंक पैदा हो, हांसी के लोगों की हिम्मतें टूट जाए। इनको ऐसी एक सजा दी गई जिससे ज्यादा बेरहमी के कोई सजा हो ही नहीं सकते। उन दोनों को लाया गया, हुकुम चंद जैन को अपने मजहब के खिलाफ जिंदा दफना दिया गया और मुनीर बेग को अपने मजहब के खिलाफ चीता पर जिंदा जला दिया गया। वीर सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं कि क्या आपको पता है 1857 की सबसे भारी नुकसानी किसको पहुंची? वो कौन सा शख्स था जिनको 1857 की सबसे कीमती रकम चुकानी पड़ी? Can you tell me who was the greatest loser of 1857 revolt? He was Bahadur Shah Zafar, the last Mughal Empire, Mughal Badshah. विलियम हॉडसन की आर्मी ने उनको घेर लिया और उनके हवाले कर लिया। रात को उनकी आंखों में पॉइजनस ऑइंटमेंट लगाया गया, सुबह को फिर दबाव बनाया गया कि वो ब्रेकफास्ट करें। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करनी है। जब उनको अपनी मर्जी के खिलाफ ब्रेकफास्ट दिया गया, ब्रेकफास्ट में एक लाल रंग के चादर के नीचे तीन कटे हुए सर दिए गए। दो उनके बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा सुल्तान के थे और एक उनके पोते मिर्जा अबू बख्त के थे। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ब्रेकफास्ट आपके मर्जी के खिलाफ दिए गए हो और उस ब्रेकफास्ट की प्लेट में आपके दो बच्चों की कटे हुए सर हो और एक आपके पोते के कटे हुए सर हो। इतनी दर्दनाक और इतनी त्याग से भरे भरे हमारी जंगे आजादी थे। दुर्गादास बंदोपाध्याय अपने किताब में लिखे हैं, 1857 की बगावत के बाद कई सालों तक इलाहाबाद के चारों ओर एक भी झाड़ नजर नहीं आते थे, क्योंकि मौत की संख्या इतनी तादाद में थी कि झाड़ ही कम पड़ गए उनको जलाते जलाते। द टाइम्स नाम के लंदन की एक अखबार में फ्रंट पेज पर उसकी करेस्पोंडेंट रसेल ने ये भी लिखा था कि किस तरह से मुसलमान उलमाओं के साथ उनके मजहब की शेरशानी किए जाते थे, उनको उनकी मजहब की खिलाफ के हरकतें किए जाते थे और किस तरह से उनको सुअर की मांस जबरदस्ती से खिलाए जाते थे। वीर सावरकर अपनी किताब में और एक बहुत प्यारा सा क्रांतिकारी के बारे में लिखते हैं, जिनके नाम भी इतनी प्यारी है कि उनकी हिम्मत और बहादुरी से हम मर्दों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। नाम उनका था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनकी कमांडर इन चीफ थे मीर बख्शी सली। उस किले पर जब अंग्रेज को भारी नुकसान पहुंचाना था, मीर बख्शी सली ने कहा, रानी इस गेट को उड़ा देने से उस पार के अंग्रेज को बहुत भारी नुकसान पड़ेंगे पहुंचेंगे। उसने कहा उड़ा दो। मीर बख्शी सली ने कहा बस एक प्रॉब्लम है, गेट के बगल में एक तरफ एक मंदिर है, एक तरफ एक मस्जिद है, गेट को उड़ाने से उन दोनों में से साथ ही एक को उड़ाना पड़ेंगे।
रानी ने कहा आप मंदिर को ही उड़ा दो। मीर बख्शी सली ने अपने मुसलमानों को बुलाया और खुतबा किया कि ऐ मुसलमानों, रानी ने तुम्हारे मस्जिद के बचाने के इंटरेस्ट में अपनी ही मंदिर को उड़ा देने की हुक्म की है। ऐ मुसलमानों, चलो हम अल्लाह से दुआ करते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारे शरीर में आखिरी बूंद की खून के रहने तक रानी पर एक आंच नहीं पहुंचने देंगे। फिर पहले मीर बख्शी साली मरे गए, शहीद हो गए, और उसके बाद रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी शहीद हो गए। कहने का मतलब ये है कि उन तमाम महान क्रांतिकारियों का मन में एक ही जज्बा था, देश के प्रति इतनी ही प्यार थी कि इतने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में अपनी ही थोड़ी कुर्बानी कर दी। ऐसा नहीं था कि रानी ये हुक्म ना दे सकते थे कि बख्शी सली तुम मस्जिद को ही उड़ा दो, क्योंकि रानी तो रानी थे, यानी कि बस यही है सेक्रीफाइस और सेल्फलेसनेस की, यही एक मिसाल था हमारे जंगे आजादी में। मराठा हिस्ट्री के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नाम जिनका था नाना पेशावर साहब, उनके भी कमांडर इन चीफ मुसलमान अजीमुल्ला खान थे। हिस्टोरियन बिपिन चंद्र अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में लिखते हैं, मपीला मुसलमानों को गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में साथ देने के लिए 1921 में ये कीमत चुकानी पड़ी कि 2337 मपीला मुसलमानों को एक साथ फांसी पर चढ़ा दी गई। और इन मपीला मुसलमानों के लीडर थे हजीक उल मोहम्मद, जिनके कहना है कि गैर सरकारी रिकॉर्ड में ये संख्या और काफी ज्यादा थी। क्या आपको पता है जलियांवाला बाग मसाकर में कितने लोग मारे गए थे जनरल डायर की गोली से? 379, उनमें भी 58 लोग मुसलमान उलमा थे। केरल में और एक जगह है जिसका नाम बेलारी है, बेलारी ट्रेन ट्रेजिडी, यानी कि बाद में 1932 में इसको बेलारी वेगन ट्रेजिडी कहा गया है। वहां 100 से ज्यादा मपीला मुसलमानों को, क्रांतिकारी मुसलमानों को अंग्रेज ने अरेस्ट किए, अरेस्ट करके थिरूर नाम की जगह से बेलारी की और एक छोटे विंडोलेस वैन, बिन खिड़की वाले गाड़ी पर चढ़ाकर ले जाया जा रहे थे। जब तक वो नेक्स्ट स्टेशन कोयम्बटूर पहुंचे थे, उनमें से 70 ने दम तोड़ दिए थे, उनको बिना कोई खाना पानी के रखा गया था, इसलिए उनमें से कोई कोई तो अपनी पेशाब पीकर भी जान बचानी पड़ी। उन 70 लोगों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि वो इनटॉलरेबल सफोकेशन की वजह से मरे हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं क्या जुल्मों सितम से गुजरे होंगे? जब गांधी जी से पूछा गया दांडी मार्च के वक्त, गांधी जी अगर दांडी मार्च के पूरे होने से पहले आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपकी जगह कौन लेंगे? गांधी जी ने कहा अब्बास तैयब जी लेंगे। और गांधी जी ने कहा ए अब्बास, देखना अंग्रेज जब मुझे अरेस्ट करके जेल भिजवा दे, तुम ये ख्याल रखना कि अपने मुट्ठी के नमक ना छूटे। और अब्बास तैयब जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात के नाम से जाने जाते हैं। गांधी जी हरिजन न्यूज़पेपर में उनके बारे में लिखे हैं कि अब्बास तैयब जी हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। किस्सा पानी बाजार पेशावर की एक जगह है, नमक आंदोलन के लिए गांधी जी को 1932 में अरेस्ट किया गया था, और इसके खबर मिलते ही हजारों लाखों के तादाद में पठान निकल कर आए और खड़े हो गए। उनकी इतनी भारी संख्या देखकर अंग्रेज डर गए और पेशावर से भाग गए। और दो दिन के बाद गरवाली रेजिमेंट के साथ अंग्रेज लौटे, लौटते ही देखा कि उन हजारों की लाखों की संख्या, उन भारी संख्या में पठान वही के वही थे। और उसने देखा कि बच्चे पहली लाइन पर थे, उन पठानों के बच्चे पहले लाइन पर थे, और उनके बीच उनके लीडर था खान अब्दुल गफ्फर खान, जिनका नाम था। तो अंग्रेज ने उनसे पूछा ए अब्दुल गफ्फर खान, हथियार तो पठानों के जेवर होते हैं, तुम्हारे हथियार किधर है? उन्होंने कहा कि हमने गांधी जी को वचन दिए थे, हमने गांधी जी को दिए वचन के मुताबिक हमने अपने जेवर फेंक दिए। और अंग्रेज ने गरवाली रेजिमेंट के जवानों को कहा इन पर गोलियां चलाओ। तो अंग्रेज रेजिमेंट के जो जवान थे उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक जलियांवाला बाग मसाकर काफी है। उन्होंने इन निहत लोगों पर, निहत्यारे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिए। तब अंग्रेज ने अपने आप उनको गोली चलाना शुरू कर दिए। और जब गोली चलाना शुरू कर दिए, पहले के जो लाइन में थे, जो एक इंजोर घायल होकर गिर जाते तो दूसरे वाले सीना टांग के आते, इतनी बहादुरी के साथ गोली खाते।
उनके एक एक के शरीर से 20-21 तक की गोली पाई जाती थी। 207 लोग मारे गए थे किस्सा पानी बाजार में। खान अब्दुल गफ्फर को भारत सरकार ने मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से नवाजे। उनको टाइटल मिला सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी। और भारत सरकार उनको भारत रत्न पुरस्कार देते वक्त प्लेक में लिखते हैं, किस्सा ख्वानी बाजार के दिन अपनी बहादुरी दिलेरी दिखाते हुए और गांधी जी को दिए हुए वचन के मुताबिक अहिंसा के मैसेज को लेकर अपनी हथियार फेंक देने के लिए और अपनी 90 साल की जिंदगी के 45 साल जेल में गुजार देने के लिए भारत सरकार सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को भारत रत्न से पुरस्कृत करते हैं। हिस्टोरियन गिरीश मिश्रा लिखते हैं, जब पहली बार देश का पहला राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी में आए थे तो गेट के बाहर एक बूढ़े थे फटे कपड़ों में और बूढ़े वो उस बूढ़े जिद कर रहे थे कि राष्ट्रपति से मिलने की उन्हें इजाजत दी जाए। जब राजेंद्र प्रसाद को मालूम चला, राजेंद्र प्रसाद साहब खुद गेट में चले गए, उस बूढ़े से गले लगाए, बूढ़े को मंच पर ले आकर अपनी ही बाजू वाले सीट में बिठाए और मोतिहारी लोगों को भाषण देते हुए कहा, मोतिहारी के लोगों, हमारे बीच एक ऐसी शख्स है जिन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी, साथ में मेरी भी जान बचाई थी। ये 1917 की बात है जब चंपारण सत्याग्रह चल रही थी। अंग्रेज उद्योगपति एरविन और उनके बहुत लोगों ने इन पर इतने दबाव डाला था कि इनकी घर की सारी इनके परिवार के सारे सदस्यों को किडनैप कर लिया गया था और उन पर दबाव बनाया गया था कि गांधी जी की खाने की चीज में पॉइजन मिलाई जाए। यहाँ तक कि उनको एक लाश भी भिजवा दिया गया था कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो और भी लाशें तुमको भेजे जाएंगे। उन्होंने कोई दूसरा सीच ना सोचकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए गांधी जी को बचाए और इस शख्सियत के इस महान हिम्मत और बहादुरी के इनाम पर 50 एकड़ जमीन देने की मैं घोषणा करता हूँ मोतिहारी से। और किसी ने कुछ साल पहले आरटीआई फाइल करी तब जाके ये मालूम चला कि उस घोषणा किए हुए जमीन के अलॉट करते करते 1957 लग गए जबकि बटक मियां अंसारी इस दुनिया में ना रहे। बटक मियां अंसारी ने बहुत कुछ गवाई है अंग्रेजों की बात सुनकर गांधी जी को ना मरने की वजह से। उनकी जितने भी जमीन जायदाद से संपत्ति थे सब कुछ नीलाम कर दिए गए थे, उनको रास्ते पर लाया गया था, भिखारी बना दिया गया था, मारा गया था, पीटा गया था, जेल पर रखा गया था। गांधी जी को मारने वालों के नाम सबको पता है, गांधी जी की हत्याकारी के नाम सबको पता है, नाथुराम गोडसे थे। हम में से कितने लोग जानते हैं कि गांधी जी के प्राण रक्षा करने वाले के नाम बटक मियां अंसारी थे। क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि अगर 1917 में बटक मियां अंसारी गांधी जी के जान ना बचाए होते तो क्या कभी मोहनदास करमचांद गांधी फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जाने जाते? क्या कभी हमें आजादी मिली होती? शायद नहीं, शायद आज भी हम अंग्रेजों की गुलाम ही रह जाते। अंत में मैं आप सबको और एक शख्सियत के बारे में बताना चाहूंगा जो एक बहुत बेहतरीन क्रांतिकारी थे। नाम उनका था अशफाकुल्ला खान। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह के साथ देने, चंद्रशेखर आजाद के साथ देने के लिए इनको अंडमान एंड निकोबार की काले पानी की सजा हुई और बाद में वही सूली पर लटका दिया गया। जब आखिरी बार इनके परिवार इनसे मिलने के लिए आए थे तो बहुत रो रहे थे। इन्होंने उनके आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, ए मेरे घर वालों, तुम इन आंसुओं को रोक लो। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि हर बार जब आजादी के दिन आएंगे तो रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, कन्हैया लाल, खुदीराम बोस के साथ साथ एक ही सांस में तुम्हारे भाई अशफाकुल्ला खान की भी नाम लिए जाएंगे। अशफाकुल्ला खान को फांसी पर चढ़ा देने से पहले अंग्रेज ने उनसे पूछे, व्हाट इज योर लास्ट विश, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? वो रामप्रसाद बिस्मिल की ओर देखे, मुस्कुराए और उनसे शेरो शायरी की तोड़ पर कहे, कुछ आरजू नहीं है बस आरजू ये है, कुछ आरजू नहीं है बस आरजू ये है, रख दे कोई जरासी खाके वतन कफन में। अंग्रेज ने कहा कि खाके वतन से क्या मुराद है? उन्होंने कहा, मैंने अपनी माँ से चिट्ठी लिखी थी, शाहजहांपुर से माँ ने थोड़ी मट्टी भेजी है,
तो जब मुझे दफनाया जाएगा मेरे कब्रिस्तान में उस मट्टी को भी रख दी जाए। ये हमारे देश की आजादी की बहुत बड़ी कहानी है। क्या आपको पता है खुदीराम बोस ने कितने साल की उम्र में फांसी की फंदा चूम ली? क्या आपको पता है भगत सिंह ने कितने साल की उम्र में अपनी जान कुर्बान कर दी? खुदीराम बोस ने सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी की फंदा चूम ली। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में अपनी बलिदानी, अपनी मर्दानगी दिखाते हुए शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने 24 साल की उम्र में फांसी की फंदा चूम ली और अशफाकुल्ला खान 27 साल के उम्र में काला पानी की सजा भुगतने के बाद फांसी पर लटका दी, सुली पर लटका दी गए। हमने क्या चुने, हमने क्या किए सिवाय अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के होठ? इनके जवानी जेल में बीत गए, इनकी जिंदगी देश के स्वाधीनता के लिए गए। उस जमाने में लोग क्रांति भी करते थे, तमाम लिखते भी थे। हम तो लिखना दूर की बात, हम पढ़ना भी नहीं चाहते। हम अगर पढ़ते हैं तो एक ही बुक पढ़ते हैं हमेशा हर रोज, वो है मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक, जहां से मिलने के लिए हमें कुछ नहीं है, जहां में हमारी इन वीर क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए कुछ नहीं मिलता है। ऐ लोगों, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम नहीं जानोगे, तुम नहीं जानोगे तो तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, तुम नहीं जानोगे तो तुम्हें कोई भी गुमराह कर जाएगा और तुम अंत में जाके व्हाट्सएप फॉरवर्ड के शिकार बनोगे। अंत में मैं आप सबसे हृदय से गुजारिश करना चाहूंगा और हाथ जोड़ कर विनती करना चाहूंगा कि कृपया आप इन तमाम बातों को, आप इन तमाम जानकारियों को दुनिया के कोने कोने में फैलाइए। सिर्फ हिंदुस्तान के बुजुर्ग, बच्चे और बूढ़े ही नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि अजंगे आजादी में वो हमारे हिस्से ही थे, वो भी हमारे हिस्से ही थे। यहाँ तक कि खान अब्दुल गफ्फर खान अफगानी ही थे, जिनको फ्रंटियर गांधी की इनाम दी गई, जिनको टाइटल मिला सीमांत गांधी, भारत रत्न मिला, वो एक अफगानी ही थे, पर अफगानिस्तान तब हमारे हिस्से थे। और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी ऑल दिस व्हाइल विद सो मच ऑफ पैशंस, इंटरेस्ट एंड पेशन, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिए, शेयर तो करिए ही करिए, हर एक सोशल मीडिया में आप करिए, ताकि इन जानकारियों को बहुत फास्ट आगे भी, अगर आपको इस तरह की मजेदार और जानकारी वाली वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे भी आपके लिए मैं ऐसी मजेदार और जानकारी भरे वीडियोस लाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खुशहाल रहे, पढ़ाई लिखाई करे, तमाम अपने लक्ष्यों को पाले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वीर शहीद।